ईडी ने तेजस्वी यादव को फिर से समन भेजा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 22 दिसंबर को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए ईडी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को समन भेजा है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए दूसरा समन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भेजा गया है। लास्ट समन जो था वो 22 दिसंबर को भेजा गया था, 22 दिसंबर को था, लेकिन तेजस्वी यादव उसमें नहीं पहुंच पाए थे। तो दूसरा समन आज जारी किया गया है, जिसे उनको कहा गया है कि वो दूसरा समन जो है वो 4 दिसंबर यानी कि दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में हो जाएगा और सुबह 10:30 बजे का समय मुकद्दर किया गया है। देखिए जब से अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्हीं के बयान के आधार पर तेजस्वी यादव को ईडी ने समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि देखिए लालू प्रसाद यादव को भी 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए वहां जाना है, लेकिन अब देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जा पाते हैं या नहीं जाते। लेकिन दूसरा समन जो है वो तेजस्वी यादव को जारी कर दिया गया है, उनको 10:30 से 11 बजे के बीच जनवरी के पहले सप्ताह में ईडी मुख्यालय पहुंचना होगा। लक्ष्मी, हमें देखिए इसमें दो पहलू है। एक तरफ तेजस्वी यादव खुलकर कहते हैं कि गलती उनकी नहीं है, जानबूझकर उनका नाम जो है इसमें शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो ईडी के बुलाने पर, नोटिस भेजने पर वो पहुंचते नहीं हैं। तो ऐसे में अब जितने भी विपक्ष हैं उनका कहना है कि गलती है, छिपा रहे हैं, तभी वो ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले उनकी एक बार पूछताछ हो चुकी है, एक राउंड की उनकी पूछताछ हो चुकी है। पहला समन भेजा गया था 22 तारीख के लिए कि 22 तारीख उनको पूछताछ में शामिल होना था और 19 को यहाँ पर बैठक था। तो संभवतः हो सकता है कि उसने कुछ कारण बताया हो कि इस कारण में मैं 22 को नहीं पहुंच पाया हूँ, तो अगला समय दिया जाए। तो अगला समय को तो अब यह देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव जो जनवरी के पहले सप्ताह में ईडी के द्वारा बुलाया गया है 10:30 से 11 बजे के बीच में, तो क्या उस दिन तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश होते हैं, क्या ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि माना यह जा रहा है कि अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद उनके बयानों के आधार पर ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है लालू प्रसाद यादव और दोनों तेजस्वी यादव को। तो अब देखना होगा कि जो पहले सप्ताह में तेजस्वी यादव को बुलाया गया है ईडी की तरफ से, क्या उसमें पेश होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।